नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक तरंग बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या दो, और पाठ संख्या दो का शीर्षक है हींग वाला। चित्र पर आधारित गतिविधि दी हुई है इस पाठ में। उपयुक्त चित्र को देखकर उनके विषय में विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करें। यहाँ पर जो चित्र दिए हुए हैं इनके बारे में आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। यहाँ बच्चों, इस चित्र में हमें अंडे दिए हुए हैं, यहाँ इनके हाथ में दाल है, और यहाँ पर भी सारी ये दालें रखी हुई हैं। तो आपको इनके बारे में अपने विचार रखने हैं। अब हम करते हैं पाठ में प्रवेश। इस कहानी में वात्सल्यता तथा सामाजिक सौहार्दता का चित्रण किया गया है। हींग वाला संकीर्णता से ऊपर उठकर मानवीयता का परिचय देते हुए बच्चों को सकुशल घर पहुंचाता है। आइए शुरू करते हैं। लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। हमेशा की तरह उसकी आवाज सुनाई दी, अम्मा हींग लोगी। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मॉल सीरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बरामदे से 9-10 वर्ष के एक बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा, जरा आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो अम्मा, हम अपने देश जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे ही तो ली थी। वह उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हमको तुम्हारे हाथ की भोनी लगती है, एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर हींग लेकर करूँगी क्या, ढेर सी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे नाराज हुए, सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर ना देकर हींग की पुड़िया ले ली। पूछा, कितने पैसे हुए खान? 35 पैसे अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी ना लगी। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही 35 पैसे दे दिए, हींग की कुछ ज़रूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ 35 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए ना रहेंगे। लड़की जिसकी उम्र 8 साल की थी बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसे ना मांगो, वह तुम्हें ना देंगी, उनका बेटा वही खान है। सावित्री को बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी, उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, चलो चलो बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने तो पैसे के बदले में हींग दी है, तुम क्या दोगे? छोटा बोला, कुछ नहीं देंगे। सावित्री हंस पड़ी, अच्छा चलो पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तुड़वाकर तीनों को पैसे दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगाया, तीनों में बराबर पैसे कैसे बटे। छोटा कुछ पैसे कम लेने की बात पर बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं कम पैसे नहीं लूंगा। दोनों में मारपीट हो चुकी होती यदि मुन्नी थोड़े कम पैसे स्वयं लेना स्वीकार ना कर लेती। कई महीने बीत गए,
सावित्री की सारी हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हो गई थी। ना जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्राय आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलसिरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत आओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है, हेरा हींग। और खान अब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए हो खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, अपने देश गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूँ। सावित्री ने कहा, यहाँ तो बहुत जोरों का लड़ाई झगड़ा हो गया है। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री बोली, खान तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। और इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांक हींग तोलकर सावित्री को दे दी। रेजगारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। खान ने कहा कि वह पैसा फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वह चला गया। इस बार लोग दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को माँ काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफ़ी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी, भीरू मतलब डरपोक थी। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का, ना जाने कितने प्रलोभन दिए। प्रलोभन मतलब बच्चों लालच। पर बच्चे ना माने सो ना माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखा कर लिए आता हूँ। लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद की कि दिन रहते ही वह बच्चों को लेकर लौट आए। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल चला, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे नहीं लौटे। अब सावित्री को ना भीतर चैन था ना बाहर। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए दिखाई दिए। वह दौड़कर बाहर आई और पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो, जुलूस तो निकल गया ना। एक आदमी बोला, लड़ाई झगड़ा हो गया जी, बड़ा भारी लड़ाई झगड़ा। सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी कुछ लोग तेजी से आते दिखाई दिए। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन्होंने भी कहा, लड़ाई झगड़ा हो गया है, अब सावित्री क्या करे। उन्हीं में से एक से कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के हैं एक लड़की, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं माँ जी। यह कहकर वह चला गया। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों को खोजे भी कैसे। पर अब वह क्या करे, तो क्या करे। उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों, वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। सावित्री पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौट कर ना आए। सावित्री हताश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़ कर बाहर आई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल घर लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो।
बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए। और इस कहानी को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो चलिए आगे चलते हैं। कठिन शब्द दिए हुए हैं बच्चों इस पाठ के हमें, जो आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखने हैं। मौलसिरी, जबरदस्ती, स्वभाव, भीरु, प्रलोभन, प्रतीक्षा, चिरपरिचित, हताश, मंगल, कामना। और उसी के नीचे हैं शब्द अर्थ, जिन्हें आपको याद भी करना है और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखना है। बोहनी, दिन की पहली बिक्री से मिलने वाला धन, जब हमारी पहली बिक्री होती है और जो धन हमें मिलता है उसे कहते हैं बोहनी। भीरु, डरपोक। प्रलोभन, लालच, बनावटी, नकली, ताकीद, बार बार चेताना, प्रबंध, इंतजाम, नीरवता, सन्नाटा। बताओ क्या पढ़ा? खान क्या बेचने आया था? खान हींग बेचने आया था। बच्चों को माँ की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? हींग होने पर भी माँ ने खान से हींग ले ली और उसे 35 पैसे दे दिए। बच्चों को यह बात अच्छी नहीं लगी। सावित्री की बेचैनी का क्या कारण था? बच्चे काली माँ का जुलूस देखने गए थे और अंधेरा होने पर भी वापस नहीं आए थे। शहर में लड़ाई झगड़ा होने के कारण सावित्री बहुत परेशान थी और यही उसकी बेचैनी का कारण था। सड़क पर लोग क्यों भाग रहे थे? शहर में लड़ाई झगड़ा हो जाने के कारण सड़क पर लोग भाग रहे थे। सावित्री ने कितने दिन पहले हींग वाले से हींग खरीदी थी? सावित्री ने 15 दिन पहले हींग वाले से हींग खरीदी थी। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। छोटा बच्चा माँ से कितने पैसे मांग रहा था? 35 पैसे। बच्चे क्या देखने जाना चाहते थे? काली का जुलूस। बच्चे किसके साथ घर लौटे? खान के साथ घर लौटे। प्रश्न नंबर 3 है, किसने कहा, किससे कहा? ढेर सी तो रखी है, सावित्री ने खान से कहा। उनका बेटा वही खान है, मुन्नी ने छोटे लड़के से। क्या काम है, सावित्री के पति ने खान से पूछा। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी, सावित्री ने एक आदमी से कहा। वक्त अच्छा नहीं है, खान ने सावित्री से कहा। आगे चलते हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से भीरु थी। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का ना जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे ना माने सो ना माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखा कर लिए आता हूँ। लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद की कि दिन रहते ही वह बच्चों को लेकर लौट आए। बच्चे पिता के साथ जुलूस देखने क्यों नहीं गए थे? क्योंकि बच्चे पिता के साथ जुलूस देखने इसीलिए नहीं गए थे क्योंकि वह शहर से बाहर गए हुए थे। सावित्री का स्वभाव कैसा था? सावित्री का स्वभाव भीरु था। सावित्री का बच्चों को प्रलोभन देने का क्या कारण था? सावित्री बच्चों को प्रलोभन इसीलिए दे रही थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बच्चे जुलूस देखने शहर में जाएं। रामू क्या देखने को उत्सुक हो रहा था? रामू भी जुलूस देखने को उत्सुक हो रहा था। सावित्री ने रामू से बार बार ताकीद की कि दिन रहते ही वह बच्चों को लेकर लौट आए। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। मुन्नी ने किस प्रकार भाइयों के मध्य मारपीट की आशंका को कम किया? सावित्री 1 रुपये को तीनों बच्चों में बराबर बांटना चाहती थी, लेकिन
35 पैसे मांगने के कारण ऐसा संभव नहीं था। जब सावित्री ने छोटे बेटे से कुछ कम पैसे लेने को कहा तो वह बिगड़ गया। उन दोनों बेटों में मारपीट हो ही जाती कि तभी मुन्नी ने कुछ कम पैसे लेना स्वीकार किया और इस प्रकार उसने भाइयों के मध्य मारपीट की आशंका को कम किया। बच्चों की नाराज़गी का क्या कारण था? हींग होने के बाद भी सावित्री ने हींग वाले के जिद करने पर उससे हींग लेकर उसे 35 पैसे दे दिए। यही बच्चों की नाराज़गी का कारण था। बच्चों को ढूंढकर लाने की बात पर देहाती ने सावित्री को क्या जवाब दिया? जब सावित्री ने देहाती से बच्चों को ढूंढकर लाने के लिए कहा तब देहाती ने कहा कि क्या उसने कभी बच्चों को देखा है? सावित्री का स्वयं पर क्रोध करने का क्या कारण था? सावित्री को स्वयं पर क्रोध इसीलिए आ रहा था क्योंकि बच्चे अभी तक घर नहीं लौटे थे। वह सोच रही थी कि वे तो बच्चे थे, उन्होंने तो जिद करनी ही थी, भेजना या ना भेजना तो उसके अपने हाथ में था। उसने बच्चों को जुलूस देखने के लिए क्यों भेजा? यही सब सोचते हुए सावित्री को अपने ऊपर क्रोध आ रहा था। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।